बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं फिजिक्स 9th इसके मेरिकल्स के सिलसिले में चौथा लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होंगे। तो आप लोगों से लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों ने इन फार्मूला जो दिए गए हैं इनको लाजमी एक दफ़ा देख लेना और इनको लाजमी याद कर लेना, क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन में भी अक्सर आते हैं और इन फार्मूलों का इस्तेमाल भी न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा है। एफ किस चीज़ के बराबर है? एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि मकदारों की अधिक कीमत मालूम करने के लिए एफ हमारे पास है एफ एक्स स्क्वायर जमा एफ वाई स्क्वायर, जबकि सिमत को मालूम करने के लिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स के बराबर है। टार्क को मालूम करने के लिए आर ज़रबे एफ या एफ ज़रबे आर। इस तरह अगर कोई जिसम इक्विलिब्रियम की हालत में हो तो उसको सिग्मा एफ इज इक्वल टू, यानी कि तमाम जो फोर्सेज हैं उनका रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा, चाहे वो एफ एक्स वाली साइड पे हो या एफ वाई वाली साइड पे हो। तो एफ एक्स भी ज़ीरो होगा और एफ वाई भी ज़ीरो होगा। इसी तरह इसका टार्क जो है वो भी ज़ीरो होगा और टार्क वन जो है वो टार्क टू के बराबर होगा। यहाँ पर एफ एक्स किस चीज़ के बराबर होता है? एफ कॉस थीटा के बराबर, जबकि एफ वाई जो है वो एफ साइन थीटा के बराबर होता है। अब इसमें हमने टोटल जो न्यूमेरिकल करने हैं वो एक, उसके बाद तीन, फिर सात, आठ, फिर दो, चार, पाँच और छः, ये न्यूमेरिकल हमने करना है। तो कुल मिला के ये बनते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ बनते हैं टोटल न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है कि मंदरजा ज़ैल फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करें। ये फोर्सेस दी गई हैं चार, तीन जो हैं इनमें से तीन के तीन हमने करने, तो इन फोर्सेस का हमने क्या करना है? रिजल्टेंट मालूम करना है। अब पहला जो है 10 न्यूटन जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस की सीमत में है, दूसरा है 6 न्यूटन फोर्स वो है वाई सीमत में, जबकि 4 न्यूटन फोर्स है एक्स एक्सिस की सीमत में। अब पहले जो पे आते हैं, एफ वन इज इक्वल टू हमारे पास है 10 न्यूटन, जबकि एफ टू हमारे पास है 6 न्यूटन, एफ थ्री हमारे पास है 4 न्यूटन। अब ये वाली जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के गिर्द है, जबकि ये वाली जो फोर्स है ये वाई एक्सिस के गिर्द है। अब ये जो फोर्स है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के गिर्द है, यहाँ पर ये दिया गया। तो रिजल्टेंट फोर्स हमने मालूम करनी है। एफ वन जमा एफ थ्री जो पॉजिटिव है आपने क्या करना है? इनको इकट्ठा कर लेना। एफ वन जमा एफ थ्री इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्स की सीमत में, जो एक्स वाली हैं उनको हमने क्या करना? इकट्ठा कर लेना। तो एफ वन जमा एफ थ्री इज इक्वल टू आ जाएगा 10 माइनस 4, तो एफ फोर हमारे पास जो है वो कितने के बराबर आ गया? 6 न्यूटन के बराबर। एफ टू हमारे पास कितने के बराबर है? 6 न्यूटन के बराबर, क्योंकि एफ टू और एफ फोर एक दूसरे के अमूदन हैं, इसलिए एफ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एफ टू स्क्वायर जमा एफ फोर स्क्वायर अंडर रूट। तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर आ गया हमारे पास, यहाँ पर इसकी कीमत दर्ज कर दें 6 का मरबा और 6 का मरबा उन दोनों का मरबा, और इनको आपस में आपने क्या करना है? जदर ले लेना है एंड में आके मरबा अपन करने के बाद। हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 72 के बराबर। एफ इज इक्वल टू हमारे पास कितने के बराबर आ गया? 8.4 न्यूटन अप्रोक्सीमेट, इसको हम
8/5 न्यूटन के बराबर भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमने थीटा मालूम करना है, तो टैन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, एफ एक्स ओवर एफ 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 वाई ओवर एफ एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर एफ टू ओवर एफ फोर आ जाएगा, 6/6 आ जाएगा। तो टैन थीटा हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, अब ये टैन जो है ये दूसरी तरफ जाएगा तो टैन इन्वर्स आ जाएगा। टैन इन्वर्स कितने के बराबर आ गया हमारे पास, इसको हम कैलेंडर में या कैलकुलेटर में देखेंगे तो ये 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 50 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बना रही है। 50 न्यूटन की जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया भी बना रही है, और इसके अमूर्दी कंपोनेंट्स हमने क्या करने हैं, बलूम करने हैं। ये ऑलरेडी भी बहुत सारे बोर्ड्स में आ चुका है, तो आपने इसको लाजमी देखना है, इसको लाजमी करना है। एफ हमारे पास कितने के बराबर है, 50 न्यूटन के बराबर है। तो जबकि थीटा हमें मालूम है 30 डिग्री के बराबर है, हमने एफ एक्स भी मालूम करना है और एफ वाई भी मालूम करना है। अब यहाँ पर हमने पीछे एक फार्मूला पढ़ा था कि एफ एक्स जो है वो किस चीज़ के बराबर है, एफ कॉस थीटा के बराबर है। अब यहाँ पर इसमें हमने क्या करनी है, कीमतें दर्ज कर देनी है। एफ की जगह पर 50 आ जाएगा, जबकि कॉस थीटा की जगह पर यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। उसने कितना दिया, 30 दिया, तो यहाँ पर 30 दर्ज कर देंगे। अब कॉस 30 की वैल्यू मालूम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.866, और इसको हमने क्या करना है, 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास एफ एक्स की किन कीमत आ गई, 43.3 न्यूटन आ गई। इसके बाद हमने एफ वाई मालूम करना है, तो एफ वाई का फार्मूला हमारे पास है एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर इसमें बेटा हमने कीमतें दर्ज कर देनी है, तो ये 50 ÷ sin 30 आ जाएगा। sin 30 कैलकुलेटर में इसको निकालें तो ये 0.5 के बराबर आता है। तो 0.5 को हमने क्या करना है, 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो एफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 25 न्यूटन के। इसके बाद तीसरा सवाल है, इस फोर्स की मिकदार और सिमत बताइए जिसका एक्स कंपोनेंट 12 न्यूटन हो जबकि वाई कंपोनेंट 5 न्यूटन हो। हमने क्या करना है, फोर्स की मिकदार मालूम करनी है, जबकि उसकी जो और सिमत भी उसकी बतानी है, और इसके जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से, एक्स जो कंपोनेंट है वो 12 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट वो 5 न्यूटन के बराबर है। एफ एक्स कितने के बराबर आ गया, 12 न्यूटन के बराबर, जबकि एफ वाई हमारे पास है 5 न्यूटन के बराबर। हमने मालूम करना है एफ को मालूम करना है और थीटा, और इसकी सीमत भी मालूम करनी है, दोनों की मालूम करनी है। तो सीमत के लिए थीटा है, तो थीटा भी मालूम करना है और एफ भी मालूम करना है, दोनों चीज़ें हमने मालूम करनी है। अब एफ किस चीज़ के बराबर होता है, एक फार्मूला हमने पढ़ा है एफ एक्स स्क्वायर जमा एफ वाई स्क्वायर, इसमें कीमतें दर्ज कर दें, 12 का मुरब्बा जमा 5 का मुरब्बा अंडर रूट, यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हमने एफ एक्स की कीमत दर्ज कर दी, और जहाँ पर एफ वाई है वहाँ पर हमने एफ वाई की कीमत दर्ज कर दी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 जमा 25। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, जमा करना है, जमा करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 169। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जजर ले लेनी है, तो हमारे पास जो एफ है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 13 न्यूटन के बराबर। अब थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास टेंजेंट वाला फार्मूला है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स, इसमें कीमतें दर्ज कर देनी है, तो ये थीटा बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स, ये टेन जो है दूसरी तरफ जाएगा तो टेन इनवर्स आ जाएगा एफ वाई ओवर एफ एक्स।
FY की जगह पर उसकी कीमत दर्ज कर दें और FX की जगह पर उसकी कीमत दर्ज कर दें तो ये हमारे पास है tan इनवर्स 5/12 हासिल होगा। अब ये इसको तकसीम करें तो ये 0.41 के बराबर आता है। तो कैलकुलेटर की मदद से tan इनवर्स 0.41 निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है 22.6 विद एक्स एक्सेस। हमारे पास जो जवाब है वो कितने के बराबर है, 22.6 विद एक्स एक्सेस। इसके बाद चौथा सवाल है हमारे पास, बहुत ही आसान सवाल है। 100 न्यूटन की जो फोर्स है वो 100 सेंटीमीटर के फासले पर अमूदन अमल कर रही है, स्पिनर पर अमूदन अमल कर रही है, इससे पैदा होने वाली टार्क हमने मालूम करना है। एक हमारे पास स्पिनर है, उस स्पिनर पर फोर्स अमल कर रही है कितने न्यूटन, 100 न्यूटन की फोर्स अमल कर रही है, और स्पिनर का जो लंबाई है या फासला है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, इसका टार्क मालूम करना है। आप इसके स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको लिखा करें और इसको हल करें तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। एफ कितने के बराबर है, 100 न्यूटन के बराबर है, जबकि आर जो है वो कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। हमने सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करना है तो 10/100 आ जाएगा मीटर, 0.1 मीटर के बराबर। तो टी हमने क्या करना है, टार्क मालूम करना है, तो टार्क किस चीज़ के बराबर होता है, फोर्स ज़रबे रेडियस के बराबर। तो यहाँ पर रेडियस हमारे पास कितना है, 0.1 है, ज़रबे 100, टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फोर्स किसी जिस्म पर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री जाविया बनाते हुए अमल कर रही है। फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो 20 न्यूटन है, हमने फोर्स मालूम करनी है। अब यहाँ पर उसने पहले क्या दिया है, जाविया दिया है, तो थीटा किस चीज़ के बराबर आ गया हमारे पास, 30 डिग्री के, जबकि उसके बाद उसने दिया है हमें एक्स कंपोनेंट कितने के बराबर, 20 न्यूटन के बराबर। तो थीटा हमारे पास आ गया 30 डिग्री, एफ एक्स हमारे पास आ गया 20 न्यूटन, हमने क्या करना है, एफ मालूम करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस पर एफ एक्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। एफ एक्स किस चीज़ के बराबर होता है, एफ कॉस थीटा के बराबर, तो इसमें कीमतें दर्ज कर दें तो ये कॉस 30 दूसरी तरफ चला जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब कॉस 30 की पहले कीमत निकालें तो फिर उसके बाद यहाँ पर दर्ज कर दें 20/0.866 के बराबर आ जाएगा। एफ हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 23.1 न्यूटन के बराबर। सिंपल सा छोटा सा सवाल है। इसके बाद छठा सवाल हमारे पास, छठा सवाल कुछ इस तरह से है कि किसी कार के स्टेयरिंग व्हील का रेडियस कितना है, 16 सेंटीमीटर है, यानी कि उसका जो रेडियस है आर हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, तो इस पर जो फोर्स लग रही है 50 N K लग रही है। कपल से पैदा होने वाले टार्क हमने क्या करना है, 50 न्यूटन जो है कपल से पैदा होने वाला टार्क हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर एफ किस चीज़ के बराबर आ गया हमारे पास, 50 न्यूटन के बराबर, जबकि आर जो रेडियस हमें दिया गया है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर को हमने क्या करना है, मीटर में तब्दील करना है, तो ये बन जाएगा 16/100 बराबर है मीटर, 0.16 मीटर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है,
दोनों फोर्सेस के दरमियान अमूदी फासला मालूम करना है। दोनों फोर्सेस के दरमियान अमूदी फासला यानी कि हमने एक स्टेयरिंग है ना, स्टेयरिंग के दो हिस्से होते हैं, एक एक साइड पे होता है, एक दूसरी साइड पे होता है। दोनों हाथ से हम उसको लगाते हैं फोर्स, तो इनको हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली जो है बाजू, इन दोनों बाजुओं को आपस में जमा कर लेना है। तो ये बन जाएगा 0.16 जमा 0.16, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 0.32 मीटर। अब हमने क्या करना है, टार्क मालूम करना है। तो टार्क बराबर होता है फोर्स ज़रबे दोनों फोर्सेस के दरमियान अमूदी फासला। दोनों जो फोर्सेस लग रही हैं लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली, दोनों फोर्सेस, उन दोनों फोर्सेस का जो अमूदी फासला है उसको हमने क्या करना है, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो टार्क बराबर आ जाएगा 50 ज़रबे 0.32 इज इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इसके बाद सातवां सवाल है। सातवें सवाल में एक पिक्चर फ्रेम दो अमूदी डोरियों से लटका हुआ है, ठीक है। ये एक पिक्चर फ्रेम है, ऐसे वो दो डोरियों के साथ लटका हुआ है। तो डोरियों में जो टेंशन है यानी उनमें जो टेंशन तनाव है वो 3.8 न्यूटन है और 4.4 न्यूटन है। पिक्चर का हमने क्या करना है, वजन मालूम करना है। हमें कौन कौन सी चीज़ें उसने दी हैं, एक तो हमें उसने दिया है टेंशन दी है T1 और दूसरा T2 दी है 4.4, ये T1 हमारे पास है 3.8। हमने मालूम क्या करना है, पिक्चर का वजन मालूम करना है, उस तस्वीर का वजन हमने मालूम करना है, तो W हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है σFx = 0 के बराबर और σFy = 0 के बराबर। ये कब होंगे, जब ये इक्विलिब्रियम की हालत में होंगे। तो T-W = 0 के बराबर। T यहाँ पर टार्क है, किस चीज़ के बराबर है, टेंशन 1 जमा टेंशन 2 -W = 0। तो ये W जो है दूसरी साइड पर जाएगा ये वाला, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। T1 जमा T2 बराबर आ गया W, 3.8 जमा 4.4 = W के बराबर। हमारे पास किसी कीमत आ गई W की 8.2 न्यूटन। सिंपल सादा सा छोटा सा सवाल है। इसके बाद आठवां सवाल। आठवें सवाल में एक 5 किलोग्राम का और 3 किलोग्राम के दो ब्लॉक्स हैं, इसको हमने क्या किया, डोरी से लटका दिया है जैसा कि। तो हर डोरी की हमने क्या करनी है, टेंशन मालूम करनी है। डोरी से आप इसकी बुक को ओपन करें, बुक में इसकी बकायदा डायग्राम बनी है, शक्ल बनी है। उसमें क्या है, एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक जो है वो 3 किलोग्राम का है। इनको हमने डोरी के ज़रिए लटका दिया है। अब हमने क्या करना है, डोरी में दोनों तरफ यानी कि जो 3 किलोग्राम ब्लॉक वाले के साथ डोरी है और जो 5 किलोग्राम ब्लॉक वाली डोरी है, इन दोनों की में टेंशन हमने मालूम करनी है। तो M1 हमारे पास कितना है, 5 किलोग्राम है। M2 हमारे पास है 3 किलोग्राम। T1 हमने मालूम करना है और T2 ये दो हमने मालूम करना है। तो T1 बराबर होता है W1 जमा W2। तो T1 = आ जाएगा M1G। यहाँ पर W1 पहला वजन आ गया, W2 दूसरा वजन आ गया, M1G जमा M2G। यहाँ से हमने क्या किया, जी कॉमन ले लिया, तो M1 जमा M2 5 जमा 3 × 10 हो जाएगा। तो 8 × 10 T1 हमारे पास कितने के बराबर आ गया, 80 न्यूटन के बराबर। क्योंकि डोरी बी में पैदा होने वाली टेंशन सिर्फ दूसरे मास की वजह से है, जबकि दूसरे मास की वजह से उसमें टेंशन पैदा हो रही है। तो T2 = हमारे पास आ जाएगा W2। तो T2 = M2G आ जाएगा।
अब इसमें हमने क्या करना है, सिंपल कीमत दर्ज कर देनी है। तो 3 × 10 आ जाएगा, तो T2 हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन के बल। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। और मैंने साथ ही कुछ मैथ के लेक्चर भी बनाए थे, जो काफ़ी दिन पहले बनाए थे, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक बनाए थे, तो आप लोगों ने उनको भी लाजमी देख लेना है और उनसे भी लाजमी आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वस्सलाम।